गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे केमिकल शिफ्ट इन C13 स्पेक्ट्रोस्कोपी। पिछले वीडियो में हमने बात की कि C13 स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो क्या इंफॉर्मेशन हमें देती है, कैसे सिग्नल लाता है। तो एक ब्रीफली हम बात करें तो प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और C13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों में सिमिलरिटी है, एक तरह से होती है। बस प्रोटॉन एनएमआर में जो सिग्नल है वो एक प्रोटॉन के दूसरे प्रोटॉन के साथ इंटरेक्शन से आता है। C13 में जो C13 स्प्लिटिंग है उसकी संभावना बहुत कम होती है। तो यहाँ पे जो स्प्रेड और केमिकल शिफ्ट होती है, प्रोटॉन एनएमआर में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 0 से लेकर 15 ppm तक होती है, जबकि C13 में ये वैल्यू 0 से लेकर 200 या 240 तक ppm तक होती है। तो केमिकल शिफ्ट से ही हम किसी सिग्नल की पोजीशन का को आइडेंटिफाई कर उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो केमिकल शिफ्ट का मेन रोल होता है इसमें, जो एक रेफरेंस कंपाउंड, जैसे प्रोटॉन एनएमआर में रेफरेंस कंपाउंड टीएमएस लेते हैं, उसी तरह से केमिकल इसमें C13 में भी रेफरेंस कंपाउंड टीएमएस लिया जाता है। अब हम बात करें इसमें कि केमिकल शिफ्ट, तो ये वैल्यू जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि यहाँ पे वैल्यू है वो 0 से लेकर 200 ppm तक होती है, और जो रेफरेंस कंपाउंड है प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरह, इसमें भी C13 में भी रेफरेंस कंपाउंड यूज किया जाता है, टीएमएस यूज किया जाता है, टेट्रा मेथिल सिलेन यूज किया जाता है इसमें। यहाँ पे जैसे एल्किल कार्बन डिस्प्ले देमसेल्फ मोस्ट अपफील्ड पोजिशन, जिस तरह से प्रोटॉन एनएमआर में एल्किल कार्बन अपफील्ड में यानी टीएमएस की ओर सिग्नल शो करता है, उसी तरह से यहां पर भी C13 में भी एल्किल कार्बन है वो मोस्ट अपफील्ड फील्ड में, मोस्ट अपफील्ड पोजीशन में सिग्नल शो करता है, सिग्नल्स इसके अपीयर होते हैं। कार्बन अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यदि कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ हो, लाइक एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, तो वो उस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है, जिससे डाउन फील्ड में पीक आती है, उसकी डिसल्डिंग हो जाती है, डाउन फील्ड में पीक आती है। तो यहाँ पे जैसे जैसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, जो अटैच एटम या ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, डाउन फील्डिंग भी उसी ऑर्डर में बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है यदि का कार्बन है, वो फार डाउन फील्ड में आता है, बहुत ही डाउन फील्ड में आता है, 150 से लेकर 200 ppm के आसपास आता है। तो इस प्रकार जो ऑर्डर PMR में होता है, प्रोटॉन एनएमआर में होता है, वही C13 एनएमआर में ऑर्डर होता है। जिस तरह से शील्डिंग होती है वहां पे प्रोटॉन एनएमआर में, उसी तरह से कार्बन 13 में भी जो शील्डेड कार्बन है वो अपफील्ड की ओर, यानी एल्किल कार्बन है वो, और उससे यदि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जुड़े हुए हैं तो वो डाउन फील्डिंग बढ़ती जाती है, और यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है तो डाउन फील्डिंग बढ़ती जाती है। एक हम चार्ट की बात करें, इसके द्वारा हम शो करें, तो जैसे यहाँ पे देखें कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इसमें C13 में 0 से लेकर 220 ppm तक होती है, TMS की 0। अब एल्किल कार्बन जो है उसकी 0 से लेकर 50 तक होती है, 0 से लेकर 50 तक होती है, और कार्बन नाइट्रोजन जो बॉन्ड है, तो यहाँ पे यदि नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो कार्बन की जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो 50 से लेकर 90 तक होती है या 60 टू 80 कह सकते हैं इसमें, और इसमें कार्बन के साथ यदि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो और ज्यादा डाउनफील्ड हो जाता है, तो ये 50 से लेकर 90 तक हो जाता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यदि एल्काइन कार्बन है तो ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है 60 to 90 के रेंज में आती है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यानी एल्किन कार्बन और एरोमेटिक कार्बन, तो उसके लिए ये 110 से लेकर 150 तक होती है।
और यहां पे देखिए कार्बोनिल कार्बन CO, कार्बोनिल कार्बन जो है जैसे एल्डिहाइड में है, कीटोन में है, तो वहां पे ये पीक जो है वो 150 से लेकर 220 तक आती है। तो इस प्रकार जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाती है, उसी ऑर्डर में डाउनफील्डिंग भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे हम इस पे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बोनिल कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप आर इजीली आइडेंटिफाइड, क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा डाउनफील्ड में, फादेस्ट डाउनफील्ड में अपीयर होता है इसका पीक। देयर इज एन ओवरऑल सिमिलरिटी, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रोटोन एनएमआर की जो केमिकल शिफ्ट है वो C13 एनएमआर की केमिकल शिफ्ट दोनों एक दूसरे से ओवरऑल सिमिलरिटी शो करती है। जैसे प्रोटोन एनएमआर के अंदर ऑर्डर जो है एल्केन, सब्स्टिट्यूट एल्केन, ओलिफिन, एरोमेटिक जो कार्बन एरोमेटिक जो कंपाउंड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो उससे ये जिस तरह से डाउनफील्ड से बढ़ती जाती है पीएमआर में, C13 में भी ये उसी ऑर्डर में बढ़ती जाती है। और इसके आधार पे जो इस रेंज में जो चेंजेज होते हैं, इस रीजन में केमिकल शिफ्ट के रीजन में जो चेंजेज होते हैं, उनको हम कंपाउंड की स्ट्रक्चर के साथ कोरिलेट करते हैं और उसको स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें कि जो इस केमिकल शिफ्ट के चार्ट को हम देखते हैं, यहाँ पे इस चार्ट को हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो प्रोटोन एनएमआर की केमिकल शिफ्ट है वो तो है 0 से लेकर करीब 15 ppm तक, और यहाँ पे इसकी जो C13 की जो केमिकल शिफ्ट है वो 0 से लेकर 220 तक, यानी जो प्रोटोन की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू के बजाय जो C13 की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो 15 से 20 गुना ज्यादा होती है। तो जो कार्बन उस पर जुड़ा हुआ है केमिकल शिफ्ट टाइम ग्रेटर दैट ऑफ प्रोटोन अटैच, यानी जो कार्बन पे जो प्रोटोन जुड़ा हुआ है उसकी केमिकल शिफ्ट की बजाय कार्बन की केमिकल शिफ्ट जो है वो 15 से 20 गुना ज्यादा होती है। तो इस प्रकार हम उन केमिकल शिफ्ट के आधार पे उनके स्ट्रक्चर को कोरिलेट कर स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। थैंक यू।